अरे तेरे बाप से मिलना है, अरे डरपोक छुप के बैठ जा रहा है अंदर, दूरी बना ऐसे। तमीज से बात करो लड़की। तमीज से बात करो। साहब जी से तमीज से बात करो। मुझ जैसी सीधी सादी भोली भाली मासूम लड़की से बंदूक से डरा कर के दे तमीज। देखो तुम बदतमीजी कर रही हो। तमीज से बात करने वाला तेरा है तेरा। तमीज तमीज से बात करो। बदतमीज तुम खुद, बंदूक लेके औरत को डराते और कहते हो तमीज से बात करो। मैं भी फिर ऐसी जवाब दूंगी। देखो मेरी बात सुनो, तुमने रात को बोला था आराम से बात करोगी, मसले का हल निकाला। ये मसला गया घर में, मेरा मियां मुझे वापस करो। तुम अपनी बात से हट रही हो। हट, तुम अपनी बात से रहो। क्या कर रही हो, ये जहालत है। ये जहालत और जो तुम कर रहे हो जहालत। देख कह रहे हो, निकालो इसको। अरे मेरे मसले का हल, अरे मेरे साथ तुम ऐसे नहीं कर सकते। अरे मुझे डॉक्टर सादी आ रहे हैं आज? ना ही वो आएगा और ना ही कोई पेपर्स दिखाएगा। तुम्हारी शादी जुल्फी से ही होनी है, देर या बदेर। मामा बिल्कुल ओल्ड फिरोज की तरह बात कर रही है। हसल मेरी जान, देखो तुम अभी बहुत कम उम्र हो, तुम्हारे कहने की वजह से मैं यहाँ रुक तो गई हूँ, मगर मुझे ये सब कुछ बहुत चीप लग रहा है। चीप अमीर, जो वो करे वो चीप है, एक बेचारी लड़की के साथ ये सब कुछ करना। बेचारी लड़की एक लड़के को लेकर भाग गई। जस्ट इमेजिन, एक लड़की एक लड़के को भगा के ले गई, कोई हाल नहीं है। डॉक्टर सादी क्या नया दिखाएंगे हमें? यही कि एक लड़की ने एक लड़के को फंसा लिया, उसे जबरदस्ती निकाह पढ़वा लिया, और क्या नया दिखाएंगे उन पेपर्स में? प्लीज एक दफा मेरी बात तो मान ले, फिर अगर आपको डॉक्टर सादी की बात पे यकीन नहीं आता तो अब जो कहेगी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तुम तो मान ही लोगी, मगर वो लड़का, उसे तो वापस लाए। या अल्लाह, एक कमबख्त बूढ़ी हड्डियां हो गई। ए किशो, ए 3 रोज हो गए घर की खबर ना ली तूने, और अगले 3 दिन और नहीं जाने की। ए भला क्यों? पड़ा रहेगा कुछ दिन अकेले तो होश ठिकाने आ जाएंगे। मगर वो। मगर क्यों? आई मगर ये कि भैया मर जात है, अगर गुस्सा आ गया तो कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। कुछ नहीं कर सकता वो। हाँ तुम तो सब कुछ जानती हो। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे छोड़ने की हिम्मत नहीं है उसमें। अच्छा, इस जोम में मत रहना बीबी, हर औरत जुगनू नहीं होती। खूब कहा आपा जहांगीर, वाकई हर औरत जुगनू नहीं होती, लेकिन औरत तो औरत ही होती है, चाहे जुगनू हो या किश्वर। अल्लाह जाने क्या फलसफा बघारने बैठ गई। आए भाई मैं तो सीधी तरह से ये कह रही थी कि आप अपने घर को सुधारो, और या फिर फोन कर लो उसे। हेलो, नेकी का जमाना ही नहीं रहा। जुल्फी मिल गया है, आप लोग ना गए होते ना तो ये मसला अभी हल हो जाता। तो तुम लोग उस औरत को वो पेपर्स दिखा के फारिग क्यों नहीं कर देते? ये सब डॉक्टर सादी की वजह से हुआ है, वो बदल गए, आपको मालूम है ना, ये सब एक फ्रॉड था और डॉक्टर सादी इसका हिस्सा थे। हाँ हाँ, अब जुल्फी मिल गया है तो तुम किसी तरह उस लड़की को फारिग करवाओ। और आयशा कसाला जो है ना, वो डॉक्टर सादी में जरूरत से ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है। डॉक्टर सादी तो चले गए हैं, अब उनका क्या जिक्र? बहुत जिक्र है उनका, बताऊंगी तुम्हें, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम अभी भी नहीं जानती। मसलहत की वजह से नहीं बताई थी, बहुत जल्द बताऊंगी तुम्हें। मैं बहुत परेशान हूँ, वो आ गई है और बहुत बिफरी हुई है। मुझे डर लग रहा है कि तनवीर उस पर कहीं जरूरत से ज्यादा सख्ती ना कर दे। अब ये कोई उनकी हवेली और इलाका तो है नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी। उसे समझाओ, मैं फिर बात करूंगी तुमसे, कुछ बताना है तुम्हें। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बुला लो जितने लोग बुलाने हैं। कौन खड़ा होता है जुगनू के सामने? क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? पत्थर तो छोड़ दो। अरे पत्थर छोड़ दो, तुम बंदूक छोड़ो। मुझे इस घर से निकालने से पहले याद रखना था कि मेरे शौहर का पूरा पूरा हिस्सा है इसमें।
रुक जाओ, मैं रख रहा हूँ बंदूक, ये लो ये लो ये लो। अरे उस बुड्ढे को बुलाओ ताकि से दो दो बात करूँ मैं। तमीज से बात करो, पापा साहब है मेरे। देखो शरीफ औरतों का ये रवैया नहीं होता। अरे शरीफ मर्दों का ये रवैया नहीं होता, तुम लोग तो ऐसी की कैसी। देखो बाबा साहब और जुल्फी को छोड़ दो, मैं तुम्हें हल बताता हूँ, बताता हूँ। तो तुम बात करोगे? हाँ हाँ पक्की बात। हल निकालोगे? देखो अंदर चल के आराम से बात करते हैं ना, ये 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 छोड़ दो। नो नो इंटेलिजेंट बॉय, चलो चलो चलो। आई शाहजहान, आई आपा आई, आई इधर तो आओ जल्दी। क्या हुआ आपा? आई बैठो इधर आके बैठो तो सही। कुछ सुना तुमने? ये क्या, ये अपनी केशो जाने के मूड में नहीं लग रही मुझे। हाँ तो ठीक है ना आपा, भाई क्यों वो मुआ रोज आना मारकुटाई करके भेज देता है? आई लो, ये कोई कम है किसी से? और फिर घर तो बसाना है ना। आपा आप तो बड़ी हैं, अल्लाह ताला ने आपको आसानियां दी हुई हैं। आई लो ये भी खूब कही तुमने, तो सारी आसानियां लोगों में बांट के और खुद मुश्किल में पड़ जाऊं। आई ये भी अच्छी चलाई तुमने। आपा मेरा ये मतलब नहीं था। अरे भैया रहने दो, बख्शो हमें तो। अरे भैया किशो के बारे में बात करने को बुलाया था, तुम तो उन्हीं की हमदर्द निकली जैसे हम सबके दुश्मन है। पहलो जरा सी बात समझाओ, यहाँ तो किसी की समझ ही नहीं आती। जाओ भैया जो जिसका दिल चाहे करो। कोई सुनने को तैयार ही नहीं है यहाँ, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। क्या हो गया है? वो आ गई। वो तो काफी देर की आई हुई है। वो घर के अंदर आ गया आयशा। जुल्फी का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया है। गुड गुड। अच्छा मेरी बात गौर से सुन। जी। वो भी जुल्फी से जान छुड़ाना चाहती है। मैं उसे ऐसे बात करूंगा कि ठीक 15 मिनट के बाद बात खत्म हो जाए, तुम उस वक्त चेकबुक ले जाना, ठीक है? अच्छा सुने, मामा का फोन आया था, गजाला और डॉक्टर सादी। आयशा इस वक्त इन बातों का टाइम नहीं है, मैं वो करने जा रहा हूँ जो बाबा साहब नहीं कर सके। ओके गुड लक। भाभी, हेलो, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया है? This is so unfair. तो मिस जुगनू, अगर आपने मुझसे वाकई तमीज से बात करनी है तो मुझे मिसेस जुल्फिकार बुलाई, क्योंकि फिलहाल मैं जुल्फी की बीवी हूँ। देखिए ये पत्थर रख दे। नहीं, ये मेरी सेल्फ डिफेंस के लिए। पहले भी आप मुझ पे कातिलाना हमला करवा चुके हैं। आप पत्थर रख दीजिए, फिर बात करते हैं। पत्थर नहीं रखा जाएगा। क्या चाहती हो तुम? क्या दे सकते हैं? जुल्फी के बदले में क्या लोगी? अरे भाई आप तो बाबा साहब से बहुत ज्यादा अकलमंद निकले। वो तो ये बात समझते ही नहीं थे कि मैं जुल्फी के बदले कुछ भी ले दे के मामला हल कर सकती हूँ। बताएं क्या ऑफर है? Hello, what rubbish is this, यार? God, open the door, यार।
क्या डिमांड है? बात सीधी सी है, मैंने जुल्फी से 1 करोड़ रुपया मेहर निकाह किया है। आपको जुल्फी चाहिए, रख लीजिए, मुझे मेरा हक मेहर दे दीजिए। मैं जुल्फी से खुद कह दूंगी कि वो आप लोग के साथ चला जाए। देखो, 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करो, कोई दरमियाना हल निकालते हैं ना। दरमियाना हल क्या? बख्शी जी से बात हुई थी मेरी। अरे भाई, उनकी तो आदत है अड़ंग वड़ंग मारने की। मैंने पूछा कि साफ साफ बताओ कि जुगनू कैसी और कहाँ है, तो क्या बोले भाई? कहने लगा जुगनू ना कहे, बीबी साहब तो बीबी साहब हैं। हाँ तो बोलने वाले को ही इज्जत मिलती है। हो गई जुगनू बीबी साहब। क्या ऑल फॉल बके जा रही। अच्छा ये बता, रफीक से बात हुई, क्या कहा? वही कहा जो जुगनू कहती है, हम भी बीबी साहब हो जाएंगे। आए लो और सुनो, अरे मेरी लिख के रख लो बात, ये यही बैठी रहेगी, कहीं नहीं जाने की। अरे किशो, क्या हो गया है तुझे? अरे क्या कहा किशो, कुछ बताओ तो सही। मैंने तो कह दिया कि तुमको ये डर है कि मैं तुम्हें छोड़ ना दूं, और तुम अपनी कमजोरी छुपाने को मुझे मारते पीटते हो। और ये भी कि मजबूत मर्द तो औरत का सहारा बनता है, एक कमजोर इंसान ही औरत को हमेशा घिराने की कोशिश करता है। ये भी कह दिया तुमने? नहीं बोला, नहीं, लेकिन सोचा जरूर। वाकई आपा जहांगीर, एक मर्द अपनी एहसास कमतरी को छुपाने के लिए हमेशा औरत को घिराने की कोशिश करता है। आए लो और सुनो, अब नहीं आने का भैया, अब कदम नहीं रखने का वो यहाँ। आएगा, जरूर आएगा, आखिर को है तो इंसान है। क्या करें? मैं कैसे मान लूं कि ये सच है? आंटी आप तो जानती हैं कि मेरी तनवीर और बाबा साहब की फैमिली से कितने पुराने ताल्लुकात हैं। हाँ। और आप ये भी जानती हैं कि हर शख्स यही सोचता है कि जो उसके दोस्त अहबाब कह रहे हैं वो सच है, और जो बाकी लोग कह रहे हैं वो झूठ। ये भी दुरुस्त है। बस मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैं समझा कि जुल्फी और तनवीर एक लालची और खुदगर्ज लड़की के हत्थे चढ़ गए, और मैं उनकी मदद कर सकता हूँ उससे जान छुड़ाने के लिए। आप ये कागज देखिए। क्या है ये? ये हॉस्पिटल की रसीद और डिस्चार्ज स्लिप वगैरह। यहाँ पे जुगनू के साइन लिए गए थे, साइन थोड़े आसान थे इसलिए खोला के पेपर पे कॉपी कर लिए। तो इसका मतलब है ये सब फ्रॉड है? जी, और मैं इसमें शामिल। यानी कि जुगनू अब भी जुल्फी की बीवी है? हाँ, क्योंकि पेपर्स नकली हैं। अगर अब ये सब कुछ बताने का क्या फायदा? अचानक तो नहीं, लेकिन यहाँ आके और लोगों से मिलके रवैये देख के मुझे लगा कि मैं एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का सबब बन रहा हूँ। गुड, आपने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब ये सब बताने से क्या होगा। देखिए, इसलिए ताकि आप गजाला की सुल्फी से शादी ना होने दें। अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है ना तो नहीं मानेगी। कभी नहीं मानेगी। वो मानेगी। 24 घंटे के अंदर खुला के पेपर तुम्हारे सामने हो। तुम्हें तो यही दुख है कि तुम्हारा घर खराब हो गया है, अब तुमसे कौन शादी करेगा? तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया अप फ्रंट देता हूं, आई मीन नकद। कम है। 5 लाख। बहुत कम है। 10 लाख से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, और बताएं। और बख्शी जी एक शरीफ आदमी है, उनको दुकान लगवा देंगे,
तुम्हारी उनसे शादी हो जाएगी, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। अरे वाह भाई, आपने तो बड़ा ही अच्छा इंतजाम कर दिया मेरे लिए। आप तो ग्रेट हैं। वैसे तनवीर भाई, आप मेरी एक बात मानेंगे? बोलो। आप मुझे 10 लाख रुपए दे रहे हैं ना? हाँ। मुझसे 20 लाख रुपए ले, अपनी बीवी को तलाक दे, मुझे से शादी करा दे। क्या बकवास कर? बकवास नहीं, हकीकत कह रही हूँ। दूसरी शादी कर ले, खुद भी खुश रहेंगे और मैं भी खुश रहूंगी। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि आप जैसे खड़ूस बंदे से शादी करेगा कौन। जुल्फी को लेके जा रही हूँ, दम है तो रोक लीजिएगा। क्या है लौरत, रुको, सुनो। आप आयशा भाभी है ना? मैं आपकी देवरानी मिसेस जुगनू जुल्फिकार, हैप्पी टू मीट यू। मैं आपके लिए चेक लेकर आई थी। ये आपकी वाइफ है ना? ये मेरे लिए चेक लेके आई थी क्योंकि इनको लग रहा था मेरी और आपकी डील ओके हो जाएगी और अब कीमत अदा करने का टाइम आ गया है। कितनी लंबी जुबान है तुम्हारी, मैं आराम से बात कर रहा हूँ। मैं भी आराम से बात कर रही हूँ। आयशा भाभी बताइए, ये आपके शौहर है ना? शर्माइए नहीं, अब हकीकत का तो सामना करना पड़ेगा ना। बताइए ये आपके शौहर है ना? तो ये बात है, डॉक्टर सादी नहीं चाहते कि जुल्फी की और तुम्हारी शादी हो। ठीक है, खुला के पेपर्स झूठे हैं, मगर मेरी ये बात भी मान लो कि जुल्फी तलाक जरूर देगा, वो अपने बाप के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन मामा आपने तो कहा था कि अगर प्रूफ मिल जाता है तो फिर। मैंने कोई वादा नहीं किया था, सिर्फ बात बताने का मौका दिया था। मगर आयशा को जरूर पता होना चाहिए कि हम लोग यही हैं। प्लीज मामा, अब तो ये बात खुल चुकी है ना, सबको पता है कि तनवीर भाई ने ये सब फ्रॉड में किया है। तुम बहुत सादा हो गजल। आखिर डॉक्टर सादी इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं इस मामले में? ओ खमन मामा, अगर अब आप ये बात मानना ना चाहे तो वो अलहदा बात। अच्छा सोचूंगी। देखिए इन्होंने मुझे कितनी बुरी ऑफर करवाई है। ये कह रहे हैं कि मैं इनसे 10 लाख रुपए ले लूं और अपने शोहर से तलाक लेके बख्शी जी से शादी कर लूं। तो ये कि एक दफा सोचिए, अगर आप मेरी जगह होती और आप इस सिचुएशन आती तो आप राजी होती? एक दफा बहुत से सोचिए। एक तरफ बख्शी जी, दूसरी तरफ 10 लाख रुपए और तीसरी तरफ तनवीर भाई की बीवी होना और इस घर की बहू। जरा सोचिए मुंशी जी। देखो तुम अपनी बात से हट रही हो, तुमने कहा था एक दरमियाना हल निकालेंगे। दरमियाना हल ये थोड़ी था कि मेरी तजलील हो। दरमियाना हल ये भी तो हो सकता था कि आप लोग सब मिलके मेरी और जुल्फी की शादी करवाते और मैं रुखसत होके इस घर में आती। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? शक्ल देखी तुमने अपनी? तुम निकलो यहाँ से बाहर, चलो निकलो, निकलो यहाँ से। क्या कर रही हो? अरे ये तो बहुत ही डरपोक निकले, ये तो आपके पीछे छुप गए। आयशा भाभी मैं तो अभी भी कह रही हूँ, एक दफा फिर सोच लीजिए बख्शी जी के बारे में। तो तनवीर क्या कर रहे हैं, औरत पे हाथ उठाएंगे? औरत? ये औरत लगती है तुम्हें? चुड़ैल है ये, चुड़ैल। अरे चुड़ैल होगी तुम, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी सोच, तुम्हारा पूरा खानदान, नाना पाटी का कहीं के पता नहीं कहाँ से मेरे मत्थे पड़ गए। अब मत्थे पड़े हैं ना तो एक एक का मजा लूंगी, अब यहाँ दोनों का जानते नहीं है। आयशा भाभी बख्शी जी के बारे में जरूर सोच लीजिएगा। आय शाहजहान। जी आपा। ऐ भैया इस मसले का तो कोई हल निकालो। कौन से मसले का आपा?
आए अपने किशो वाला, मैं क्या कर सकती हूँ आपा? आए भैया, तुम ये कर सकती हो कि अपनी जुगनू के ऐशो आराम के सच्चे झूठे किस्से उसके सामने मत सुनाया करो। झूठे तो नहीं है। आए जो भी हैं, उसके आगे जिक्र मत किया करो। अपने घर को जाए, हिल के पानी तक तो पीती नहीं है, और ऊपर से कमरा अलग लिया हुआ है, पंखा पानी बिजली सभी का खर्चा है। मेरे पास कोई कानून का खजाना तो है नहीं, बच्चे भेजते हैं मेहनत का पैसा कमा के, और वो इन अलल्ले तलल्लों में उड़ा दूं? ना भाई, इतना जिगरा नहीं है मेरा। आपा, सच बता रही हूँ आपको, मेरी जुगनू बड़ी ही सुखी है माशाल्लाह। रे, इतना बड़ा घर है उसका मरी में, और वो ना। आए बस बीबी, मेरे तो कान पक गए तुम्हारे ये ख्याली पुलाव सुन सुन के। मरी में बंगला है और तनी गाड़ी है, क्या है अल्लाह जाने। कहा था मैंने आपसे तनवीर भाई, वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगी। सिर्फ भाव बढ़ा रही है वो, और कुछ नहीं। अच्छी तरह जानता हूँ ऐसी औरतों को मैं। तनवीर भाई प्लीज, आप हमें हमारे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते? अगर तुम वाकई गरीब और शरीफ औरत से प्यार करते ना तो जरूर छोड़ देता, पर ऐसा है नहीं। वो तो किसी शाते गिरोह की रुकन है। ऐसा नहीं है यार। ऐसा ही है, पर वो जानती नहीं कि उसका पाला किसे पड़ा है। जानती है वो, लेकिन वो अपनी मोहब्बत की वजह से मजबूर है, और मैं बाबा साहब की वजह से। अगर मैं बाबा साहब का दिल दुखा सकता और उनके हुक्म की नाफरमानी कर सकता तो मैं यहाँ वापस कभी ना आता। क्या आप लोग मरी में ही हैं? हाँ, गजल की जिद की वजह से। मैंने तुम्हें बताया था ना कि डॉक्टर सादी कुछ ज्यादा ही इन हो रहे हैं। जी, उन्होंने मुझे प्रूफ भी दिखाया कि जुगनू की खुला वाला मामला झूठ है, फ्रॉड है। पहले डॉक्टर सादी भी इसमें शामिल थे, मगर अब वो अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा है। ओहो, शायद इस लड़की के साथ ज्यादती हो रही है, और शायद अल्लाह इसकी मदद कर रहा है। अब आप देखे ना, डॉक्टर सादी जो तनवीर के इतने करीबी दोस्त हैं, वो भी इसकी वजह से दूर हट गए। तुम भी ऐसा सोचती हो? पहले तो नहीं सोचती थी, लेकिन आज उसकी बातें सुनने के बाद ऐसा सोचने लगी हूँ। 24 घंटे के अंदर उसकी मोहब्बत का सबूत दे सकता हूँ, तब मान जाओगे? क्या? मैं उससे कहूँगा कि जुल्फी दूसरी शादी कर रहा है और तुम्हें तलाक नहीं देगा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो अल्लाह के पेपर साइन कर। That's extremely unfair. अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है ना तो नहीं मानेगी। कभी नहीं मानेगी वो। मानेगी। 24 घंटे के अंदर खुला के पेपर तुम्हारे सामने हो। मजीद अपने जहन को उलझाना नहीं चाहती। जब जुल्फी उसको लीगली डिवोर्स कर देगा ना, तो मैं बस मेरी तरफ से भी ना नहीं होगी। देखिए, बाबा के एक दफा कहने पे जुल्फी उसको यूं डिवोर्स करेगा, लेकिन सारा मसला मेहर का है। मेहर बहुत भारी है, और ये लोग उस जैसी लड़की पे कभी इतना नहीं खर्च करेंगे। अच्छा चलो छोड़ो, मैं समझाऊंगी गजल को, वो पहले ही बहुत फेड अप। भैया सुनते हैं अपनी जुगनू रोज पिटती है ससुराल में। किसने कहा? अरे कहेगा कौन, वही अपने बख्शी जी। शाहजहां तो मुंह से भाप तक नहीं निकालती, वो तो शरबत के घूंट की तरह घोल के पी गई थी घट करके। अरे भैया, शोहरों से तो बीवियां पिटा ही करती, अगर इसकी तो हद ही हो गई। अरे पैसे के बोझ तले पड़ी है वहां पे। मैंने तो अच्छा खासा वो रिश्ता बताया था टंडू जाम वाले लड़के का, मगर इनके तो मिजाज ही नहीं मिले। और वो अपनी शाहजहां, अरे उनकी तो वो मिसाल है कि लोमड़ी की दुम कट गई तो उसने सबसे कहा कि दुम कटवा लो, फैशन है।
सुनो सुनो। हाँ मैं, यार मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो एक बेचारी सी लड़की हूँ। नहीं वो बात नहीं, मगर तुम यहाँ आई कैसे? मैं यहाँ आई कैसे हूँ तुम्हें समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ समझाने के लिए आई हूँ कि तुम एक अच्छी लड़की हो, और वो बुरे से लोग जुल्फिक दोबारा से उससे दूर ले गए। अब तो मैंने कसम खा ली है कि वो मेरी बारात लेकर आएंगे। तुम पागल हो गई हो? हाँ तो पागल ही तो होना था, मेरे साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ तो मैं कैसे नॉर्मल रह सकती थी? तो तुम किसी और से शादी कर लो, जुल्फी वैसे भी बहुत बुद्धू आदमी है। किससे? अक्षय जी से। गुड गॉड, उनसे क्यों? देखा, तुम्हें भी अजीब लगा, लेकिन लेकिन वो तनवीर भाई, उन्होंने मुझे ऑफर दिए और तुम्हारी बहन भी उसमें शामिल है। ये क्या हो गया सब लोगों को? पागल हो गए ना सब, बल्कि सबके सब बावले हो गए। लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरा साथ दोगी, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तुम बहुत कुछ कर सकती हो, ये आपको हल्का नहीं लो यार। तुम मेरे लिए बाबा साहब से बात कर सकती हो। मैं क्यों करूँगी बाबा साहब से तुम्हारी लिए बात? क्यों नहीं कर सकती? देखो तुम अपनी मिसाल ले लो, एक तरफ सारी दौलत हो और दूसरी तरफ तुम्हारा महबूब, तो तुम क्या चूज करोगी? मेरा महबूब? हाँ डॉक्टर सादी है ना? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, देखो देखो अगर जुल्फी मुझे तलाक दे देगा तो तुम्हारी शादी डॉक्टर सादी के बजाय जुल्फी से हो जाएगी, जिसे अभी थोड़ी देर पहले तुमने बुद्धू कहा था। तुम्हारी कसम भी टूट जाएगी और तुम्हारा दिल भी, इसलिए मैं कह रही हूँ एक दफा जरूर सोच लेना, ठीक है? सोचती रहो, मुझे बहुत सारे काम है, मैं जा रही हूँ। गजाला शाबाश, इसी तरह सोचती रहो सोचती रहो। कैसे कैसे लोगों से मिन्नतें करवानी पड़ती सिर्फ तुम्हारे बुद्धू जुल्फी। बख्श जी की तरफ से कबूल कीजिए। मर गए सारे बुजुर्ग, मगर किसी ने ठीक कहा था कि सबर का फल बहुत मीठा होता है। बख्श जी की तरफ से कबूल कीजिए। माशाल्लाह, मेरे खुदाया, जुगनू की वजह से ख्वाब भी कैसे देखने लगी हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब मेरी सिर्फ एक बात सुनो, अगर तनवीर ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना, वाकई जान से मार देंगे। नहीं मार सकते, बोलो क्या कहना चाहती हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो ऑफर मुझे तन्वीर भाई ने दिए, क्या वो काबिले कबूल है? जुगनू, सच तो ये है कि आई हैव स्टार्टेड टू फील फॉर यू। मैं हमदर्दी महसूस कर रही हूँ तुम्हारे लिए। मेरे लिए हमदर्दी? हाँ। तुम क्यों अपनी जिंदगी तबाह करना चाह रही हो? हाँ, वो भी एक ऐसे आदमी के लिए जो ना तुम्हें डिफेंड कर सकता है ना तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकता है। व्हाई?
तुम्हारी माँ देख से होते, मेरा पहला शौहर आसमान से तारे तोड़ने के वादे करता था मुझसे, घटिया सी ख्वाहिश के पीछे मुझे छोड़ गया। तभी मैंने सोच लिया था कि मर्द घर बनाना जानता है, बसाना नहीं जानता। मोहब्बत तो कर सकता है लेकिन उसे निभा नहीं सकता। औरत का काम होता है, इसीलिए मैं ये कर रही हूं। बारे जुगनू, क्या क्या सोचती थी मैं तुम्हारे बारे में कि यू आर एक्चुअली क्वाइट वाइज, अकल है, इस्तेमाल भी करती हो। मैं समझती थी कि तुम एक जंगली सी, बुरी सी, बदतमीज सी लड़की हो, ऑलमोस्ट फूलन देवी टाइप कैरेक्टर। फूलन देवी तो मुझे बना दिया, मैं तो जुगनू हूं जो सिर्फ खुश रहना चाहती। अच्छा तो जुगनू, ये बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? नहीं, आप कुछ नहीं करें, आप सिर्फ एक दफा सोच ले मेरे बारे में कि जिस सिचुएशन में मैं हूँ, मेरी जगह आप भी हो सकती हैं। पूछेगा सिर्फ आयशा भाभी सोचेंगे ना? वैसे ही जैसे बख्शी जी के बारे में सोच। यू सिली गर्ल, जाने जाने। हाँ जाओ। सोचती रहे, सोचती रहे। You are impossible. Okay, I'm going back. हाँ भाई रफीक मियां, बात यह है कि किशो का तो हो गया है दिमाग खराब, और मैंने उसे बहुत समझाया है। अच्छा ही किया जो समझा दिया, वरना मैं तो कोई फैसला किए बैठा था। हाय हाय, ऐसे नहीं कहते शुरफा, मैं ऐसा कहीं नहीं होता भैया। हाँ पता है नहीं होता, आप समझा लें उसे, अगर अपने होशों में आ गई है तो आके ले जाता। अरे भाई समझी समझाई है, बस तुम आके ले जाओ उसे, और जो नादानियां करती है माफ कर दिया करो। अच्छा मियां, इंतजार करूंगी मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा ही है, इससे पहले कि खरबूजा रंग पकड़ता मैंने उसका इंतजाम कर दिया। शाहजहां, बात कर रहा हूं। मैंने एक दरमियाना रास्ता निकाल लिया, तुम फौरन चर्च ग्राउंड में आ जाओ। देखिए तनवीर भाई, मैं आपके निकाले में हल को तस्लीम करूं या रद, ये मेरे इख्तियार में होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, पर जब तुम इस रास्ते पे गौर करोगी तो ये मुमकिन नहीं होगा कि तुम इनकार करो। ये वो वाहिद रास्ता है जिस पे तुम भी राजी और हम भी। मैं तो सिर्फ एक ही बात से राजी हो सकती हूँ, कौन सा हल निकाला है इन्होंने? पापा शाहजहां, सुना है जुगनू को मार पड़ती है? हाँ जेठ से, कभी जेठ से कभी ससुर से। हैं? यानी के सारा खानदान ही मारता है? हाँ भाई, गरीब की बच्ची है, और अगर जबान दराज होगी तो पिटेगी। और वो सारी बातें किशो, वो सारी बातें तो बस मैं आपा जहांगीर के सामने इज्जत रखने को किया करती थी। आपा जहांगीर, सुनती हो? यहाँ तो जुगनू के बड़े धर्रे उड़ते हैं, बड़ी अच्छाइयाँ बयान की जाती हैं, हकीकत तो कुछ और ही है।
आपा जहांगीर, अरे कहाँ हो आपा जहांगीर? या अल्लाह, तू ये गरीबों मस्कीनों का सुनने वाला है, मेरे मुंह में खाक पड़े जो मेरी बच्ची को कोई गर्म हवा का झोंका भी छूकर गुजरे। या अल्लाह, हम गरीबों की इज्जत रखना, मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना या रब। जुल्फी, कुछ तो ले लो। नहीं, मेरा दिल नहीं है। जुल्फी, ये कोई ऐसी बात नहीं जो दिल से लगाई जाए। अमीर आदमियों की जिंदगी में तो अक्सर इस तरह के वाकयात होते हैं। लड़कियां आती जाती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि जोगी बन के बैठ जाओ। क्या मैं अब भी घर के अंदर कैद हूं या कहीं आ जा सकता हूँ? तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो, बस ये याद रखना आज तुम्हें जुगनू की मोहब्बत का सबूत देना, उससे पहले वहां मत जाना वरना पछताओगे। मैं आपको कल भी बताना चाह रही थी, वो लोग यहीं पर हैं। वो लोग यहीं पे? हाँ, वो लोग यहीं हैं और डॉक्टर सादी भी। सादी के साथ है? नहीं नहीं, डॉक्टर सादी अलहदा से स्टे कर रहे हैं, लेकिन वो मिले थे रजाना से और उन्होंने जुगनू के बारे में कोई बात की थी। सादी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, पर देख लूंगा, सबको देख लूंगा, क्योंकि इस बार तो मैंने ठान लिया है ईशा, रजाना और जुल्फी की शादी तो मैं करवा के रहूंगा। मेरा अपना दोस्त मेरी बीवी की बहन, और किसके लिए? दो टके की छोकरी के लिए? दो टके की छोकरी नहीं, एक मजलूम औरत। मुझे तुमसे ज्यादा बोलने वाले लोगों पे तरस आता है, बिना सोचे समझे पता नहीं क्या कुछ बोल देते हैं। किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना। अरे क्या डायलॉग्स बोले जा रही है, काम की बात करें, दरमियानी हल बताएं। हाँ ठीक है, ये वो खुला नामा है जिस पर तुम्हारे दस्तक है, तुम्हारा और जुल्फी का कोई ताल्लुक नहीं। क्या?